सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम इवोल्यूशन को पढ़ रहे थे और इवोल्यूशन में जो लास्ट टॉपिक हमने लिया था वो हमने लिया था कॉस्मोजोन से रिलेटेड, यानी कि इवोल्यूशन को ही हम वन बाई वन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो मतलब लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कॉस्मोजोन को पढ़ा था, यानी कि एक ब्रह्मांडीय वाद है उसके बारे में पढ़ा था। हमने स्पॉन्टेनियस जेनरेशन पढ़ा था, बायोजेनेसिस पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि एक इन्हीं के पैरेलल एक स्पेशल क्रिएशन थियोरी भी चलती है जो ये कहती है कि जो पेड़ पौधे पृथ्वी जैसी आज है वो शुरुआत से ही ऐसी रही है, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आज हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल इवोल्यूशन को। बायोकेमिकल इवोल्यूशन में हमें पढ़ना है मिलर और मूरे का जो एक्सपेरिमेंट है उसको। लेकिन मिलर और मूरे के एक्सपेरिमेंट से पहले इसकी क्या बैकग्राउंड रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो मिलर और मूरे का एक्सपेरिमेंट था जो बायोकेमिकल इवोल्यूशन से ही रिलेटेड था, यानी कि उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओपेरिन ने और स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे हॉल्डिंग, इन्होंने बड़ा इंडिपेंडेंटली एक विचार दिया था, यानी कि विचार क्या कहें, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो प्राइमरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है यानी कि प्राथमिक कार्बनिक अणु जो है, तो वो प्राइमरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एनर्जी के रिच सोर्सेज रहे होंगे, जैसे कि वॉल्केनो हो गया या फिर आपके यूवी रेज हो गई, तो इस तरीके के जो प्राइमरी जो सोर्सेज रहे होंगे एनर्जी के, तो उन एनर्जी सोर्सेज में चाहे वो आइसोटोप्स रहे हों, रेडियो एक्टिव मैटर रहे हों या लाइटनिंग रही हो जो कि वायुमंडल में जो बिजली उत्पन्न होती थी उसकी बात की गई है, कि उन्हीं रिच सोर्सेज की वजह से जो अर्ली अर्थ है उस पर उन प्राइमरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण संभव हो पाया। ठीक है, ओपेरिन ने क्या कहा इसी के रिगार्डिंग। ओपेरिन ने कहा क्योंकि ओपेरिन और इनका जो था जो स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हॉल्डिंग की हम बात करें, 1920 की बात है जब उन्होंने अपने ये व्यूज सामने रखे थे, सजेशन सामने रखे थे। तो फिर ओपेरिन ने ये कहा कि जब ए बायोटिक सिंथेसिस कहेंगे, जो भी ओपेरिन के द्वारा वो थियरी दी गई है, जो भी सुझाव दिया गया उसको एक नाम देने की कोशिश की गई जिसको कहा गया ए बायोटिक सिंथेसिस अजैविक संश्लेषण। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो ए बायोटिक सिंथेसिस था उस ए बायोटिक सिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से कुछ बने, जैसे शुगर बने, अमीनो एसिड्स बने, तो इन सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से इनका निर्माण होता है। फिर बात आती है आगे, इन साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब पृथ्वी पर जीवन का जो पहला रूप रहा होगा वो एबायोटिक ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि जैसे प्रोटीन आरएनए, इन्हीं की वजह से वहां पर शुरुआत इसकी हुई होगी। तो यहां से हम कहें जो भी लाइफ है, लाइफ फॉर्मेशन है या जीवन निर्माण जो है, जीवन निर्माण से पहले जरूर यहां पर केमिकल डेवलपमेंट हुआ होगा, और जब केमिकल डेवलपमेंट हुआ उसी केमिकल डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे यहां पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक हो गया, ये तो था एक बैकग्राउंड कि ओपेरिन और हॉल्डेन से स्टार्ट होता है, उन्होंने एक अपनी थियरी दी, अपना एक सुझाव दिया, इंडिपेंडेंटली उन्होंने ये काम किया और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है क्रम। अब यहां पर एक शब्द ये यूज किया गया कि एक केमिकल डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, ये केमिकल डेवलपमेंट क्या था, क्योंकि आगे जब हमें पढ़ना है, क्योंकि हम बायोकेमिकल इवोल्यूशन के पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल डेवलपमेंट क्या था। केमिकल डेवलपमेंट यह था कि सिंपल और इनऑर्गेनिक मैटर से अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स मैटर और अर्ली लाइफ यहां पर बनी। इनऑर्गेनिक मैटर से कहां तक आ गए हम, अर्ली लाइफ तक, यानी कि जो हिंदी में कहूं आधे जीवन तक, शुरुआती जो जीवन था उस तक पहुंच गए। और कहां से शुरुआत होती है उसकी, जो सिंपल जो सरल अकार्बनिक पदार्थ थे या सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर थे उनसे यहाँ की जीवन की शुरुआत होती है। तो ये पूरी क्या प्रोसेस हो गई थी, ये पूरी प्रोसेस हो गई केमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, उस समय अर्थ एटमोस्फियर कैसा था, रिड्यूसिंग था, ये बात हमने कल भी पढ़ी, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो फ्री फॉर्म में वहां पर नहीं थी।
ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, बल्कि जो रिड्यूसिंग मीडियम था उस रिड्यूसिंग मीडियम की वजह से, उस एटमॉस्फेयर की वजह से कैसी गैसेस थी, मीथेन थी और अमोनिया थी। ये गैसेस उस समय एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। तो ओपेरिन और हॉल्डेन का ये जो एक थियरी थी, जो उनका एक एक्सप्लेनेशन था केमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और केमिकल डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ जो अर्ली लाइफ है उससे रिलेटेड जो भी उनकी ये थियरी थी, उस थियरी को नाम दिया गया। और इसको कहा गया कि अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में किसी थियरी की बात करते हैं जो बिल्कुल मॉडर्न थियरी हो, तो वो इन्हीं दोनों की थियरी को मॉडर्न थियरी कहा गया ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अलग नाम दिए गए क्योंकि केमिकल बेस्ड थियरी थी तो इसे केमिकल थियरी भी कहा गया। और प्राइमरी ए बायोजेनेसिस भी इसको नाम दिया गया क्योंकि ए बायोटिक से ही रिलेटेड थी, इनऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, लाइफ स्टार्टिंग तक वो कंप्लीट होता है। अब ये तो था कि जो बैकग्राउंड बना था उससे संबंधित। जब ये पूरी थ्योरी सुनी गई, देखी गई और पढ़ी गई किनके द्वारा, मिलर और मुरे के द्वारा, तो उन्होंने इसका समर्थन किया। ठीक है, अब उन्होंने जब इसका समर्थन किया तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपनी लैब में एक एपरेटस तैयार किया। एपरेटस ऐसा तैयार किया था जो कि पूरा, जैसा यहाँ पर हॉल्डेन ने कहा था, ओपेरिन ने कहा था, तो उसी तरीके की जितनी कंडीशंस उन्होंने बताई उन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखकर एक एपरेटस तैयार किया गया, जैसा बैकग्राउंड में बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। अब उस एपरेटस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो मिलर और मुरे ने ही बनाया था, इस तरीके का कुछ एपरेटस उन्होंने तैयार किया था, जहां पर ये एक बड़ा फ्लास्क था जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। दूसरा, यहां पर एक, जब इलेक्ट्रोड्स हैं तो यहां पर क्या होगा, स्पार्क डिस्चार्ज होगा। ठीक, पहले एपरेटस के बारे में जान लेने हैं कहां क्या चीज है। नेक्स्ट क्या था, जैसा कि कहा रिड्यूसिंग मीडियम था तो कुछ गैसेस थी जैसे अमोनिया थी, मीथेन थी, ये कुछ गैसेस थी, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस समय, जिस वजह से जो गैसेस थी वो थी मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी और वाटर वेपर थी, जल वाष्प थी या जल था। उसके बाद नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो कंडेंसर। कंडेंसर में ऐसी व्यवस्था की थी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो वो स्पार्क की वजह से गैसें क्या होंगी, नीचे इधर की तरफ आएंगी। तो यहाँ पर जो ये कंडेंसर लगा था, इस कंडेंसर में एक ओर से फ्रेश वाटर यानी कि कूल वाटर आता है और दूसरी साइड से निकल जाता है। और इस कंडेंसर, ये कंडेंसर क्या हुआ, एक मोटी सी ट्यूब हुआ जिसके अंदर ये वाली पतली ट्यूब है, क्योंकि जैसे इसके चारों ओर वो ठंडा पानी होता है तो जिसकी वजह से जो भी गर्म पदार्थ आता है वेपराइज फॉर्म में होता है, क्योंकि गर्म होने से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो वेपराइज फॉर्म में आता है वो कंडेंसर की वजह से कंडेंस हो जाएगा, लिक्विडिफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, नीचे ये जो कनेक्टेड होता है ये होता है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिक्सचर बना हुआ वाटर है, यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ पर क्या है, उबलते हुए पानी का एक अलग से फ्लास्क बनाया गया जिसमें टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर भी लगाया गया। आगे है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया गया कि इस पूरे एपरेटस को क्या किया जा सके, वैक्यूम किया जा सके, निर्वात किया जा सके, क्योंकि उस समय की कंडीशन को निर्वात के अंतर्गत ही स्टडी किया गया। ठीक है, तो इसे पूरा क्या किया गया, वैक्यूम किया गया, यानी कि बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को अपनी ही लैब में करने की कोशिश थी मिलर और मुरे के द्वारा। तो जब ये एपरेटस तैयार हो गया, इस तरीके का उन्होंने जो गैसेस का मिक्सचर था वो इसमें रखा, पूरा इसको वैक्यूम कर दिया, यानी कि किसी भी तरीके का अन्य, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की हम बात करें तो उसकी उपस्थिति वहां पर ना रहे। फिर संधारित्र लगा दिया, यानी कि कंडेंसर लगा दिया है, पूरा एपरेटस फंक्शनिंग फॉर्म में आ गया। फंक्शनिंग फॉर्म में आने के बाद इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सिंगल टाइम नहीं किया, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई दिनों तक जारी रखा और जो भी इससे रिजल्ट उनको मिले उन रिजल्ट्स को उन्होंने स्टडी किया। जो उन्हें रिजल्ट्स मिले थे उन रिजल्ट्स में स्पेशलिटी ये थी, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मिलर और मुरे का जो प्रयोग था उसके रिजल्टेंट उन्हें इनमें से क्या मिला था,
तो जो उसका रिजल्ट उन्हें मिला था कि जब ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, एक ऐसी स्थिति बना ली जैसी कि ओपेरिन ने और होल्डेन ने कही, वैसी स्थिति को उन्होंने यहाँ पर लैब में प्रिपेयर कर लिया। अब बात आती है कि उन्हें क्या मिला। जब उन्होंने इसका पूरा एनालिसिस किया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस किया, तो उन्हें अमीनो एसिड्स मिले। किस तरीके के अमीनो एसिड्स मिले? ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलेनिन। क्वेश्चन ये था इनमें से क्या नहीं मिला था। क्वेश्चन बता दो, जो क्वेश्चन देखा था वो ये था कि जब मिलर और मूरे ने प्रयोग किया तो उन्हें इनमें से क्या नहीं मिला था। तो उन्हें जो मिला था आप वो याद रखिए, बाकी जो नहीं उससे आपका मैच कर रहा है, इट मीन्स वही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या हुआ, ग्लाइसिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला और एलेनिन मिला। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने जैसे कहा कि जो भी साइंटिस्ट पहले एक थ्योरी देते हैं, फिर उसके बाद वाले साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। जब मिलर और मूरे का ये एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। जब एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा गया तो उसके बाद इन चीजों के अलावा भी, यानी कि अमीनो एसिड्स के अलावा, उन्हें पिगमेंट्स मिले, फैट्स मिले, एडिनिन मिली और न्यूक्लिक एसिड बेस मिले। तो ये कुछ चीजें थी जो इसी तरीके के एपरेटस से बाद के साइंटिस्ट ने प्राप्त की। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, हालांकि उसको कल भी डिस्कस किया था, लेकिन वो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उस समय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हम बार बार ये कह रहे हैं, और आज का जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। उस समय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ये था कि जो ऑक्सीजन है वो फ्री फॉर्म में नहीं थी। अगर उस समय ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में होती, यानी कि जो हम ये रिड्यूसिंग मीडियम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं नहीं रिड्यूसिंग नहीं होगा ये, उस समय तो कैसा मीडियम होगा यहाँ पर, उस समय तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग मीडियम होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर रिड्यूसिंग मीडियम नहीं होता, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग मीडियम होता, तो जितने सिंथेसिस इंटरमीडिएट थे वो सारे सिंथेसिस इंटरमीडिएट डिस्ट्रॉय हो जाते, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी मीडियम कैसा रखा गया था एपरेटस में, रिड्यूसिंग मीडियम रखा गया था। दूसरी जो चीज ये है कि आज की हम बात करें, क्योंकि ये पूरा एबायोटिक से रिलेटेड था, ठीक है। अगर आज की हम बात करें, हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या आ रहा है, जो एबायोटिक एटमॉस्फेयर है उस पर रोक लग गई है। रोक लगने का मतलब वो एबायोटिक एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। क्लियर हो गया। तो ये तो था कि जो मिलर और मूरे का एक्सपेरिमेंट था उससे रिलेटेड कि उन्होंने क्या विश्लेषण किया और क्या पाया। इसके बाद और कहा गया और इसके बारे में रिसर्च हुई और उस चीज को एक्सप्लेन किया गया, उस चीज के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एक और जो छोटा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो बहुत लंबा चैप्टर है। आगे अभी डार्विन है, लैमार्क है, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल एक छोटी सी चीज को बात करते हैं जो प्रोटोसेल इवोल्व्स के बारे में है। क्या है? प्रोटोसेल इवोल्व्स। प्रोटोसेल इवोल्व्स का मतलब ये हुआ कि जो शुरुआती कोशिकाएं थी वो किस तरीके से बनी। एक्चुअली क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस हुआ, जो अलग अलग तरीके की प्रोसेस हुई, ऐसा कहा माना जाता है कि उस समय सेल्फ रेप्लिकेशन करने की जो टेंडेंसी थी, धीरे धीरे करके वो डेवलप होती चली गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके रिगार्डिंग अपने अपने विचार दिए। सबसे पहले हम इसके में बात करें तो हम बात करेंगे सिडनी फॉक्स की। सिडनी फॉक्स ने ये कहा कि माइक्रोब्स जब उबलते समुद्र में, ठीक है, उबलता भी ना कहें हम, उथला कहें, उथला समझ रहे हैं बहुत गहरा टाइप का नहीं, तो जब माइक्रोब्स हैं जो समुद्र में जब सनलाइट पड़ती है तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस टेम्परेचर की वजह से, यानी कि जो हीट आ रहा है उसके जब कांटेक्ट में आए, तब क्या मिले, लिपिड्स से मिल गए और तब वहां पर किसका डेवलपमेंट होता है, तब वहां पर सेल बनती है, ठीक है। यानी कि माइक्रोब्स किसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, समुद्र में है,
और लेकिन जैसे सनलाइट पड़ती है टेम्परेचर बढ़ता है और उस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से वो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, लिपिड के कॉन्टेक्ट में आते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सेल बनती है। पहली चीज ये कही थी सिडनी फॉक्स ने। फिर इसी से रिगार्डिंग ओपेरिन ने भी बात कही। ओपेरिन ने ये कहा कि जो पीएच है, टेम्परेचर है या जो कहे हैं आयन है, इन्हीं सभी की एक ऑप्टिमम कंडीशन थी और इन्हीं की ऑप्टिमम कंडीशन में मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने और उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने कोएसर वेट्स को जन्म दिया। कोएसर वेट्स एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी है कि ओपेरिन ने कोएसर वेट्स से संबंधित बताया था, ये इम्पोर्टेंट है, जो ये बायोकेमिकल थ्योरी है इसी पर बेस्ड है। ओके, अब बात करते हैं ओपेरिन के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पर कोएसर वेट्स आ गए। बेंगम ने इससे रिलेटेड ये कहा था कि जब लिपिड और वॉटर मिला, ठीक है, जब क्या मिला, लिपिड और वाटर मिला, तो एक नए तरीके का पदार्थ बना जिसे लिपोसोम कहा गया। कैसा नया तरीके का पदार्थ बना, उसे जो नया बना उसे कहा गया लिपोसोम। अब लिपोसोम की बात को डीमर ने आगे बढ़ाया। डीमर ने यह कहा कि जो लिपोसोम है, लिपोसोम ने ही जीवन की पहली एक लाइन बनाई थी, यानी कि फर्स्ट कवर जिसको हम कहेंगे, और फिर धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, न्यूट्रिशन होने लगा और जो अदर प्रोसेसेस हैं वो होने लगी और एनर्जी फॉर्मेशन हुआ होगा ऐसा प्रिडिक्ट उन्होंने किया और वहीं से क्या होता है, एक लाइफ की स्टार्टिंग हो जाती है, एक जीवन का जन्म हो जाता है। तो अगर हम प्रोटोसेल की बात करें, जिसे प्रोटोबायोंट भी कहा जाएगा, धीरे धीरे करके इस तरीके से प्रोटोबायोंट बने जिसमें सबसे पहले इसके बेस पर अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि जो लाइफ की पहली जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो उसमें जरूर उपस्थित रही होगी और जब लिविंग फॉर्म में था तो उस लिविंग फॉर्म में बनाए रखने के लिए उसमें जरूरी था कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हों, जैसे अभी न्यूट्रिशन वगैरह का हम रेफरेंस ले ही रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन उसमें होती रही होंगी और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, आउटर जो एनवायरमेंट है उस आउटर एनवायरमेंट से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती चली जाती होंगी और फिर जो सेल मेम्ब्रेन बनी वो सेल मेम्ब्रेन जो एबायोटिक एनवायरमेंट है उसको इंटरनल लिविंग एनवायरमेंट से क्या करती थी, सेपरेट करने का काम करती थी, मींस उसमें अंतर करने का काम करती थी। तो ये तो था कि पहला कि जब हम प्रोटोसेल के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके का सिद्धांत अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पर दिया। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलता है वो एक्सप्लेनेशन मिलता है यहाँ रेप्लिकेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम लिख दे रही हूँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम। देखिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम क्या था, यहाँ तो जो अभी हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सेल इस तरीके से बनी होगी। यहाँ पर आरएनए कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर बात करें तो आरएनए कॉन्सेप्ट के बेस पर जो फर्स्ट सेल रही होगी उसमें आरएनए जीन रहे होंगे, ठीक है, उसमें क्या रहे होंगे, आरएनए जीन रहे होंगे और इन्हीं जीन से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ होगा। अब जब इन्हीं जीन ने प्रोटीन सिंथेसिस किया होगा तो उसके लिए कोई ना कोई एक कैटलिस्ट मॉलिक्यूल जरूर रहा होगा और जो कहा जाता है कि वो था राइबोजाइम, जिसने इनके लिए एक कैटलिस्ट मॉलिक्यूल के तरीके से काम किया और फिर जब धीरे धीरे विकास होता चला गया ये आरएनए ने क्या किया, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद धीरे धीरे करके किसका निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। जब आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे करके डीएनए जीनों का बनना शुरू हो गया और एक तरीके से सिंगल सेल ऐसा है कि शुरुआती जो सेल रही होगी वो इस तरीके की रही होगी। नॉन सेलुलर अगर बात करें तो उनका जो विकास माना जाता है वो लगभग माना जाता है 300 करोड़ साल पहले का, ठीक है, वो कितने साल पहले का माना जाता है, लगभग 300 करोड़ साल पहले का माना जाता है। फिर वही है कि मैक्रो मॉलिक्यूल बने, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, इन सब के रूप में मीन्स उसको कहा जाता है कि इस तरीके से वहां पर क्या हुई, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। फिर
यही जो प्रिमिटिव फॉर्म थी, प्रिमिटिव फॉर्म कहाँ पर डेवलप होती है, जो एक कॉमन चीज सामने आती है वो ये कॉमन सामने आती है कि जो प्रिमिटिव सेल फॉर्म थी वो कहाँ डेवलप होती है, वो वाटर में डेवलप होती है। ठीक है, कहाँ डेवलप हुई थी, वाटर में डेवलप हुई थी। तो ये जो दूसरा सेल्फ रेप्लिकेशन है जिसमें कहा गया कि आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ, फिर जीन बने, और अगर एबायोटिक की बात करें तो लगभग इतने साल पहले बने, और कॉमन चीज जो सामने आती है वो ये आती है कि वाटर से ही इनका ओरिजिन होता है। अब इसी के साथ साथ जैसे पढ़ा था, एक सुपर नेचुरल थियरी अलग से चलती है, एक कॉन्सेप्ट अलग से चलता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। एक अलग से कंसेप्ट ये है कि जैसे शुरुआत में कहा कि जैसी पृथ्वी आज है, शुरू से ही पृथ्वी ऐसी है, जैसे पेड़ पौधे आज दिखाई दे रहे हैं, शुरुआत से वो पेड़ पौधे ऐसे ही दिखाई देते हैं, और जैसे जीव जंतु हैं, जो भी स्थितियां हैं, मतलब पृथ्वी जब से है तब से इसी रूप में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये भी एक पैरेलल थ्योरी है, हालांकि इसे बार बार मतलब क्या कहना चाहिए, चुनौती भी दी गई है, बार बार इसको कहा भी गया है, क्योंकि अगर इस थ्योरी पे हम जाते हैं तो जो अर्थ एज मानी जाती है तो वो मात्र मानी जाती है 4000 वर्ष पहले की। समझ में आ गई ना? तो ये तो था कि जो बायोजेनेसिस से रिलेटेड, जो सॉरी बायोकेमिकल से रिलेटेड, इवोल्यूशन से रिलेटेड, ओपेरिन और होल्डेन से शुरुआत होती है, बात आगे बढ़ाई मिलर और मूरे ने, उसके बाद कुछ स्टार्टिंग सेल के बारे में था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डार्विन बात के बारे में, यानी कि जो डार्विन की थियरी है उसके बारे में। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।